हेलो जी नमस्कार सलाम सतरकाल विश यू ऑल अ वेरी वॉम वेलकम टू दिस वंडरफुल सेशन विद योर वेरी ओन डॉक्टर सचिन कपूर कैसे हैं भाई आप सब लोग ऑल माय फ्यूचर डॉक्टर्स बहुत से बच्चे इस समय वो होंगे जो नीट का एग्जाम दे चुके हैं 12 सितंबर को और ऐसे भी बहुत से होंगे जिन्होंने अभी अगले साल या उससे अगले साल देने तो ये सेशन सभी के लिए है जिन्होंने नीट एग्जाम दिया है उनके लिए भी और जिन्होंने अभी आगे नीट एग्जाम देना है उनके लिए भी भाई इन क्वेश्चन के जरिए हम और भी तो बहुत सारी बातें जान पाएंगे है ना तो सबसे पहले तो मैं तहे दिल से आप सबको ढेर सारी गुड विशेस देता हूँ कहते हैं जो बीत गया सो बीत गया वो लौट के नहीं आएगा लेकिन अपनी गलतियों से सीखा जा सकता है हारा हुआ उसे नहीं कहते जो गिर गया हारा हुआ इंसान वो होता है जो गिर के उठ न सका एक बार गिरने के बाद जो इंसान उठ के दोबारा खड़ा होता है और आगे बढ़ता है जीत उसी के कदम चूमती है राइट right? वो कहते हैं ना असफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो असफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो क्या कमी रह गई जरा सोचो और सुधार करो संघर्ष का मैदान छोड़कर यूं ही मत भागो तुम संघर्ष का मैदान छोड़कर यूं ही मत भागो तुम जब तक न सफल हो जाओ नींद चैन को त्यागो तुम कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती लहरों से डर करके यू नौका पार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती नीट एग्जाम चाहे बहुत अच्छा गया या जिन लोगों का बहुत अच्छा नहीं भी गया राइट जी ये सेशन दोनों के लिए है सो मैं चाहूंगा कि एंड तक आप मेरे सेशन में जुड़े रहे मेरे साथ बहुत सारी पते की बातें बताऊंगा मेरा मकसद केवल यहां पे बायोलॉजी का पेपर डिस्कस करना नहीं है मेरा मकसद आपको आपकी छुपी हुई काबलियत बताने का है कहते हैं सच्चा गुरु वही होता है जो एक एवरेज स्टूडेंट या एक बिलो एवरेज स्टूडेंट को भी एक रैंकर बना सके भाई जो ऑलरेडी इंटेलिजेंट हैं जो ऑलरेडी रैंकर हैं उनके लिए तो हम कुछ विशेष नहीं कर सकते ना लेकिन जो एवरेज है या बिलो एवरेज है यदि मैंने उनके अंदर इस चिंगारी को एक फौलाद की तरह बना दिया सो so, सच्ची जीत तो वही है आई होप यू ऑल एग्री विद मी है ना जी राइट right, जी प्यारी बातें लग रही है एक बार स्क्रीन पे नजर डालते हैं है, सुरभि विदिशा ब्रतदीप अरविंद बलराम डोलन मृदुल वंडरफुल स्नेहल आई लव यू ऑल आई विश यू ऑल अ वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्परस फ्यूचर तहे दिल से मेरी यह तमन्ना है कि भारत के हर गांव में एक नहीं कम से कम दस डॉक्टर्स हों यदि इस कोरोना की महामारी इस पैंडमिक को मद्देनजर रखें आपने देखा है कितने मुश्किल दौर से न केवल हमारा देश बल्कि पूरा विश्व गुजरा है कहते हैं परमात्मा हर समय स्वयं मौजूद नहीं हो सकता परमात्मा हर समय स्वयं मौजूद नहीं हो सकता इसीलिए उसने डॉक्टर्स बनाए ताकि वो अपना प्रतिरूप दुनिया में भेज सके So, उस परमात्मा उस खुदा उस अल्लाह उस वाहेगुरु, उस ईश्वर के बाद जिसका नाम आता है वो है डॉक्टर वो है चिकित्सक एक कितना प्योर एंड पायस और पवित्र प्रोफेशन आप अपनाने जा रहे हैं तो अपना मन भी निर्मल रखिए बड़ा जरूरी है स्वयं के स्वभाव में विनम्रता लाना जिससे भी आप कुछ सीखने जा रहे हैं उसके लिए शुक्रगुजार रहिए तहे दिल से शुक्रगुजार रहिए कि आपने हमें यह चीज सिखाई है मन में कोई भी किसी प्रकार का मैल या मन मुटाव मत रखिए जिंदगी में गुस्से गिले नहीं करने चाहिए बड़ी छोटी सी जिंदगी है हंसते खेलते यूं ही गुजर जाए राइट जी कहते हैं ना न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए उजाले अपनी यादों के यारों हमारे साथ रहने दो अच्छी बात है ना चलो जी जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं करा है सेशन एक बार आपके प्यारे प्यारे लाइक्स आ जाने चाहिए मेरे राजा बेटा और रानी बेटियां उसके बाद हम इस सेशन का आगाज करते हैं मैं आप सब लोगों को एक बात और बता दूं कि नीट ट्वेंटी ट्वेंटी वन तो हो चुका है आप बच्चे हैं जो 2022 की तैयारी कर रहे हैं बड़े बच्चों के मैसेजेस आते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे कि सर प्लीज 2022 वालों के लिए कुछ यूट्यूब पे शुरू कर दीजिए ठीक है जी आपकी बात मानते हैं जल्द ही आपको ये गुड न्यूज मिलेगी कि ट्वेंटी वालों के लिए भी आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी चीजें नजर आएंगी राइट ठीक है जी चलो कहते हैं आई

कुछ बच्चों को जुआलॉजी थोड़ा ट्रिकी लगा कुछ बच्चों को फिजिक्स मुश्किल लगा देखिए हर किसी का अपना अपना स्ट्रांग और वीक एरिया जरूर होता है पेपर ओवरऑल बैलेंस्ड था इस बार क्या था बॉटनी एंड जुअलॉजी को अलग अलग सेक्शन में दिया गया था लेकिन बहुत सारे कॉमन एरियाज के क्वेश्चंस दोनों तरफ थे सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स बायोटेक्नोलॉजी इकोलॉजी इवोल्यूशन जुआलॉजी में भी था और यही चीजें बॉटनी में भी देखने को मिली है ना और अर्थवम से भी क्वेश्चन पूछे गए थे है ना चलो पहला सवाल देखते हैं जी अक्षय ठाकुर बेटा कैसे हैं आप मेरे राजा बेटा देखिए जी इराइथ्रोपोएटिन हार्मोन विच स्टिमुलेट्स आरबीसी फॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय मैंने youtube पे अपने लेक्चर्स लेते समय अक्सर आपको ये बात बताई थी जब एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन पढ़ाया था जब रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम में जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस मैंने बताया है आप वीडियो लेक्चर्स देख लीजिए वहां पे मैंने इरिथ्रोपोइटिन का जिक्र करा है आरबीसी का प्रोडक्शन जब बताता हूं इरिथ्रोपोएसिस तब भी मैंने ये बात बताई थी सो राजा बेटा इरिथ्रोपोइटिन इसे इराइथ्रोजेनिन भी कहते हैं चलो मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी देता जा रहा हूं इराइथ्रोजेन या ई एफ यानी रीनल इराइथ्रोपोएटिक फैक्टर अब आपको नाम से अंदाजा लग रहा है ना इराइथ्रोपोएटिक तो क्या करता होगा इराइथ्रोपोएसिस आरबीसी का फॉर्मेशन कई बच्चे ना जल्दबाजी में ये आंसर मार्क कर गए सेल्स ऑफ बोन मैरो नहीं वहां यह नहीं पूछा गया था कि यह हार्मोन एक्ट कहां करता है इस हार्मोन को जेजी तो जे सेल्स ऑफ द किडनी जक्स्टा ग्लोमर सेल्स ऑफ द किडनी बनाते हैं क्लियर है जी रुद्र पटेल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन यह रहा जी इसका आंसर क्लियर है Wonderful. ओके जी चलिए आगे बढ़ते हैं फॉलोइंगेक्ट हमेशा अंडरलाइन कर लो भाई एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहे इन करेक्ट क्योंकि जब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं करेक्ट स्टेटमेंट को मार्क कर जाते हैं क्योंकि हम भूल चुके होते हैं एंग्जाइटी में टेंशन में कि पूछा क्या था सो so अंडरलाइन कर लेना बेटर है कि इनकरेक्ट पूछा है कॉकरोच पेरी प्लेनेट अमेरिका ना क्लास इलेवंथ के सिलेबस में से क्वेश्चन पूछा गया बड़ा ही साधारण सा क्वेश्चन था सिंपल स्टेटमेंट थी हमें गलत बात पकड़नी है टेंथ डॉमीन सेगमेंट इन बोथ बियर्स पेयर सेनल सरस आए कुछ बच्चे यहां पे एनल स्टाइल के साथ कंफ्यूज हुए एनल स्टाइल तो मेल कॉकरोच में है सेकेंड रिंग ऑफ गैस्ट्रिक सीके जिसे हेपेटिक सीके कहते हैं इज प्रेजेंट एट जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट देखो ट्विस्ट यहां था राजा बेटा मिड गट और हाइंड गट यहीं पे ट्विस्ट पकड़ लीजिए ये फोर गट और मिड गट होता है ट और नहीं होता वो तो आपने पढ़ा होगा कि वहां पर द कैविटी इनक्लोज बाय माउथ पार्टी कॉक्रोच में अ जेनिटल पाउच तो दैट मींस इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी सुगम थैंक यू सो मच तक्षिला आदित्य मोहित पांडे वी विवेक कुमार बिल्कुल नीट 2022 ट्वेंटी के लिए अब कितना समय लगभग आठ नौ महीने है देख लीजिए कि इस साल तो नीट लेट हो गया अगले साल तो नीट एग्जाम लेट नहीं होगा अगर हम ये मान के चलें कि अगले साल नीट एग्जाम जो है मई के मिड में मान लो हो जाएगा तो आपके पास अभी भी लगभग आठ महीने हैं एट मंथ्स में बड़े अच्छे से इतमान से तैयारी हो सकती है यदि सच्चे दिल से सच्ची लगन से और एक सच्चे गुरु को धारण करके आप तैयारी करेंगे बिल्कुल हो सकती है आज भी मुझे कई बच्चों के मैसेजेस आए एक स्टूडेंट का कॉल भी आया मुझे यूपी से तो उन्होंने कहा कि सर मेरे 360 मार्क्स आ रहे हैं स्टूडेंट ने कॉल किया और मुझे सिंपली ऐसे बोला सर हेलो सर नमस्ते मैंने कहा हाँ जी बेटा बोलिए तो शी सेड कि सर मेरे ना थ्री मार्क्स आ रहे हैं तो मुझे बड़ा बुरा लगा मुझे गुस्सा आया मैंने कहा भाई बेटा ये तो बहुत कम मार्क्स है सात में से तीन नंबर तो बड़े कम हैं आप जानते हैं उसने क्या बोला मुझे शी शीश सर नहीं मेरे बायोलॉजी में 360 में से 360 आ रहे हैं मैंने इसीलिए आपको कॉल किया आपको धन्यवाद देने के लिए सो so, मैंने कहा बेटा इसमें मुझे धन्यवाद मत दीजिए ये आपकी अपनी सच्ची मेहनत और आपकी अपनी सच्ची लगन है तो ये आप सब कर सकते हैं मुझे कितनी खुशी होगी जब मुझे आपका भी इस प्रकार का मैसेज या कॉल आए और मैं यूट्यूब के इस माध्यम पे बता सकूं बाकी बच्चों को भी ठीक है बेटा चलो आगे बढ़े सकस एंडस सिंपल क्वेश्चन डाइजेशन एंड अब्सॉर्प्शन में से सकस एंटरिकस दूसरा नाम होता है बेटा इंटेस्टिनल जूस का अच्छा कायम क्या होता है कायम होता है जब बोलस जो है जो खाना हम चबाते हैं मुंह में द च्यूड फूड प्लस सलाइवर्स कॉल्ड बोलस वो बोलस जब हम निगल लेते हैं पेट में जाता है बोलस प्लस दी हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑफ स्टमक तो हमारे पेट में जाकर ना वो कायम बन जाता है ठीक है जूस पेनक्रियाज बनाते हैं प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट लिपिड न्यूक्लिक एसिड्स को डाइजेस्ट करने के लिए तो इस सवाल का सही जवाब था इंटस्टिनल जूस राइट जी सो देखिए नेक्स्ट स्लाइड पर मैंने आपके लिए सही आंसर को हाईलाइट कर दिया है बनिशा, दीप चेतना नाहिद अमित रुद्र पटेल रुद्र कैसा गया बेटा रुद्र यू आर अ रेगुलर स्टूडेंट आप तो मेरे रेगुलर स्टूडेंट है काफी लंबे समय से मैं आपको जानता हूं ग्रेट जी ओके 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 मोहित बढ़िया संदीप चलो आगे बढ़ू ठीक है जी अश्विनी ठाकुर हाँ मैं पूरा पेपर का एनालिसिस करूंगा अश्विनी लेकिन एक ही दिन में नहीं हो सकता है ना दो तीन पार्ट्स में मैं आपके साथ पूरा पेपर डिस्कस करूंगा नेक्स्ट okay. क्वेश्चन ह्यूमन फिजियोलॉजी में से लिया गया रेस्पिरेटरी सिस्टम में से पार्शियल प्रेशर्स को लेकर के NCRT में कंप्लीट टेबल है जब भी आपको पढ़ाता था मैं यूट्यूब पे मैंने बात बोली थी ना पार्शियल प्रेशर याद रखना हवा में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है जब ये एयर पहुंच जाती है लंग्स के एल्यूलाई में तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है 104 सौ चार मरकरी के करीब रह जाता है है ना उसके बाद डी ब्लड में ऑक्सीजन पहुंचती है ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाता है कभी भी ऑक्सीजन जो है वो पूरी तरह से मतलब पूरा 100% परसेंट हेमोग्लोबिन सेचुरेट नहीं हो सकता कभी भी उसके लिए पार्शियल प्रेशर बहुत ज्यादा चाहिए होता है तो ये तो सिंपल एनसीईआरटी में से उठाई हुई स्टेटमेंट थी जिसका आंसर था जी कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एक सौ चार है एल्वियोलाय में हवा में ज्यादा है 159 लेकिन वो एयर जब तक आपके लंग्स के एल्वियोलाय में पहुंचेगी स्वाभाविक सी बात है कि एल्यूलाय में जब एयर पहुंच जाएगी तो यहां पे पहुंची हुई एयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है 104 सौ चार है और जब इसके सामने से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल रहा है तो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन आ जाएगी और ब्लड को ऑक्सीजिनेट कर देगी हीमोग्लोबिन इज नेवर हंड्रेड परसेंट सेचुरेटेड ठीक है मेरे बेटा आंसर क्लियर है इसका राइट जी बिल्कुल सही कहा मोहम्मद आरिफ आपने एनिमल किंगडम का ये क्वेश्चन एनिमल किंगडम को अक्सर एक डल टॉपिक माना जाता है भाई इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे हम कैसे याद करें इतने सारे फाइलम पोरी फेरा निडेरिया प्लेटी लेकिन यहां पे एग्जामिनर ने सिंपल सा क्वेश्चन उठाया एक तरफ दे दिए जुअलॉजिकल नेम्स दूसरी तरफ दे दिए उनके कॉमन नेम्स और ये जितने भी जुआलॉजिकल नेम्स एग्जामिनर ने आपको यहां पे दिए हैं ये सारे एनसीआर के ही हैं एनसीआर से बाहर के नहीं हैं। तो फाइजेलिया होता है बेटा पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर कौन से फाइलम में निडेरिया या सीलेंट्रेटा में लिमुलस होता है किंग क्रैब जिसे लिविंग फॉसिल भी कहते हैं लिविंग फॉसिल वो जानवर होते हैं जिनमें पिछले हजारों सालों में कोई खास इवोल्यूशनरी बदलाव नहीं हुआ है राउंड वर्म या का मेंबर है राउंड वर्म्स roundworm को राउंड वर्म इसलिए कहते हैं जब आप उनका सेक्शन काटते हैं दे अपियर सर्कुलर इन अस सेक्शन पिंक टाडा वलग मोलस्का फाइलम का मेंबर है पर्ल ऑइस्टर वो सीप जो मोती बनाती है पर्ल इज फॉर्मड एज अंजरी एज अ रिजल्ट ऑफ इंजरी टू दल जपान इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पर्ल राइट जी ओके okay. uh, एक स्टूडेंट पूछ रहे सर एनी चांस ऑफ गेटिंग सीट इन यूपी माई स्कोर इज सिक्स जीरो फोर एंड आई एम फ्रॉम जनरल कैटेगरी आई एम अ ड्रॉपर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा मुश्किल है बाकी थोड़ा इंतजार करते हैं अभी कट ऑफ पता चली जाएगी आपको थोड़े दिनों में है ना निराश नहीं होना है बेटा बड़ू में आगे आपके आपके प्यारे प्यारे लाइक्स आते रहने चाहिए यार आपके लिए इतना एफर्ट करके ये सब चीजें लाते हैं एक सिर्फ आपके लाइक्स ही तो हैं जो एनर्जाइज कर देते हैं मुझे बायोटेक्नोलॉजी से उठाया गया ये क्वेश्चन मैंने अपने ही चैनल पे बायोटेक्नोलॉजी के लेक्चर लिए थे आपके साथ देखे थे ना आपने ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जीन एम्प्लीफिकेशन यूजिंग पीसीआर मतलब पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन इफ वेरी हाई टेम्परेचर इज नॉट यदि बहुत ज्यादा तापमान अगर हम नहीं बना के रखेंगे नाइंटी डिग्री एंड अब देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ पीसीआर विल बी अफेक्टेड फर्स्ट ये पूछा गया था ज्यादा तापमान नहीं रखा तो कौन सा स्टेप सबसे पहले प्रभावित होगा क्वेश्चन को पढ़ते समय भी सिंसियरली पढ़ना चाहिए कहीं ऐसा तो नहीं लिखिया कि लास्ट वाली बात लिखी हो। फर्स्ट स्टेप पूछा गया है सो इज इट लाइगेशन इज इट एनीलिंग इज इट एक्सटेंशन इज इट डी सार्थक बेटा जी बताओ हाँ जी शिवम बिल्कुल जी शिवम जब आपका नाम रोशन होगा तो आपके साथ जुड़े हुए सभी शख्सियत जितने भी हैं आपके माता पिता आपके चाहने वाले सबका नाम अपने आप रोशन हो जाएगा एंड मेरा भी नाम रोशन होगा जी उसके साथ साथ सो so, इस सवाल का उत्तर था बेटा डी नेचुरेशन आप बायोटेक्नोलॉजी के लेक्चर्स यूट्यूब पे देख लीजिएगा मेरे ही चैनल पे जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ठीक है बेटा निराश नहीं होना किसी ने भी अगर सवाल गलत भी हो गए ना प्लीज निराश नहीं होना ठीक है जी कहते हैं जिसने हार मान ली वही हारा है और जिसने जीत ठान ली वही जीता है मान लेने में और ठान लेने में बड़ा फर्क होता है हार को मानना नहीं है जीत को ठान के रखना है भाई एक बार अगर नहीं हो पाया किसी कारणवश कोई कमी पेशी रह गई उसे हम सुधार करेंगे उसे हम सुधार करेंगे और अगली बार और बेहतरीन रैंक लेके आएंगे एनिमल टिश्यूज में से ये क्वेश्चन स्मूथ मसल्स में से उठाया गया है आसान क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रॉन्गली मतलब गलत रॉन्गली रिप्रेजेंट्स द नेचर ऑफ स्मूथ मसल्स स्मूथ मसल्स स्पिंडल शेप्ड होते हैं नॉन स्ट्राइटेड होते हैं अनस्ट्राइब्ड होते हैं स्पिंडल समझते हैं ना आप एक ऐसी चीज जो किनारों से पतली है और सेंटर से मोटी है स्मूथ मसल्स मैंने आपको ऐसे बना के दिखाए थे स्मूथ मसल्स यूनि न्यूक्लिएट होते हैं इनमें एक सिंगल लार्ज सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस होता है ठीक है जी हॉलो ऑर्गन्स की लाइनिंग बनाते हैं स्मूथ मसल्स एक्सपीरियंस मैक्सिमम स्ट्रेचिंग जितने हॉलो ऑर्गन हैं शरीर में एलिमेंट्री कैनाल है ना यूट्रस यूरिनरी ब्लैडर ब्लड वेसल्स लिम्फ वेसल्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सब जगह स्मूथ मसल्स हैं इन्वॉलेंट्री हैं आपके कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है आप अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं कर सकते हैं ठीक है जी मायोसिन एंड एक्टिन फिलामेंट्स होती हैं बट दे आर नॉट अरेंज्ड प्रॉपरली टू फॉर्म लाइट एंड डार्क बैंड्स इसीलिए जो स्मूथ मसल्स हैं दीज नो है these muscles have no striations, ये बात सही है इनवॉल्ट्री vessel, vessel. है. है आपके कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है तो कैसे कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होते हैं विधान बेटा हाँ फ्यूजी फॉर्म सही कहा आपने स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स कैसे होते हैं टेम्परेचर के रिस्पॉन्स में कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करते हैं जैसे मैंने आपको स्क्रॉटम का एग्जाम्पल दिया था ह्यूमन मेल्स में स्क्रॉटम में है लोकेटेड टेस्टीज ताकि जो टेम्परेचर है वो तीन चार डिग्री कम रहे मेन बॉडी टेम्परेचर से हेल्दी स्पॉम प्रोडक्शन के लिए अब बाहर के तापमान के हिसाब से स्क्रॉटम के मसल्स अपने आप कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करते रहते हैं ताकि टेस्टिस में एक फेवरेबल टेम्परेचर बना रहे तो स्क्रॉटम की वॉल में पाए जाने वाले डार्टोस मसल्स जो होते हैं ना वो स्मूथ मसल्स हैं वो इनवॉलेंट्री हैं ठीक है बेटा सो so, इसके अलावा हॉर्मोन्स के रिस्पॉन्स में कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करते हैं स्मूथ मसल्स हॉर्मोन्स में आपने एग्जाम्पल पढ़ा हुआ है बेटा ऑक्सीटोसिन नाम का हॉर्मोन जो है वो स्मूथ मसल्स को यूट्रस के स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है प्रोजेस्टीरोन यूट्रस के स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रेक्शन को इनहिबिट करता है तो जब मैंने इनवॉलेंट्री कहा तो आप ये तो समझ गए भाई कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होने का कोई मैकेनिज्म तो होना चाहिए टेम्परेचर हॉर्मोन्स और स्ट्रेचिंग यदि इन्हें स्ट्रेच किया जाएगा तो भी ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जैसे अफरेंट आर्टेरियोल जो है याद है अफरेंट आर्टेरियोल कहा होता तो है मुझे बताओ इन वॉल ऑफ अफरेंट आर्टेरियोल कौन बताएगा मुझे अफरेंट आर्टेरियल आपने कहां पे पढ़ा है बताइए जी जल्दी से आर्यन अलोक डॉली रुक्मिनी जल्दी से बताओ अफरेंट आर्टेरियोल कहां है इसका आंसर तो ये है सही है आंसर इज फोर कि कम्युनिकेशन अमंग द सेल्स इज परफॉर्म बाय इंटरकैलेटेड डिस्क नहीं इंटरकैलेटेड डिस्क तो कार्डियक मसल फाइबर्स में होती है इंटरकैलेटेड डिस्क कार्डियक मसल फाइबर्स में होती है ठीक है जी स्मूथ मसल फाइबर में नहीं है सत्या रोशनी गगन हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग जी अफ्रेंट आर्टेरियोल आपने पढ़ा है नेफ्रॉन के ग्लोमी रूलस को जो ब्लड सप्लाई करता है ऐसे बनाया था ना अफ्रेंट आर्टेरियोल राइट जी जिसमें ब्लड फ्लो करके जाता है किडनी में ठीक है तो इस क्वेश्चन का आंसर है जी ये वाला स्मूथ मसल्स में डिस्क डिस्क नहीं है है किसका फीचर कार्डियक मसल फाइबर्स का हार्ट की जो वॉल है तीन लेयर्स होती है एंडोकार्डियम मायोकार्डियम है ना और पेरिकार्डियम मायोकार्डियम लेयर जो है हार्ट वॉल की उसमें कार्डियक मसल फाइबर्स है तो एडजेसेंट कार्डियक मसल फाइबर्स में इंटरकेलेटेड डिस्क नाम का ये स्ट्रक्चर है आई सी डी इंटरकलेटेड क्या करती है इसमें हैं। में ये चीज़ मैंने आपको समझाई हुई है आर एन बेटा बिल्कुल 2022 के लिए भी हम शुरू करेंगे मैं डेफिनेटली आपके लिए कुछ ना कुछ करूंगा जी ओके ब्लड ग्रुप्स में से मैंने बाइजूस पे लेक्चर्स लेते समय ब्लड ग्रुप्स आपको डिटेल में बताएं बाइजूस का भी आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं आकाश बाईजूस नीट चैनल जो है वहां पे भी आपको लेक्चर्स नजर आएंगे मेरे पर्सन विद ए बी ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड यूनिवर्सल रिसिपियंट ए ब्लड ग्रुप बी ब्लड ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप ओ ब्लड ग्रुप ओ वाले यूनिवर्सल डोनर होते हैं ए बी वाला जो इंसान है वो यूनिवर्सल रिसिपियंट है मान लो ये ए बी वाले की ब्लड वेसल है ए बी वाले का आरबीसी है ठीक है जी इसका ब्लड ग्रुप है ए बी ए बी का मतलब है इसके आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन भी और बी एंटीजन भी तो एंटीजन तो दोनों है अगर दोनों एंटीजन खुद के पास हैं तो खुद के प्लाज्मा में तो एंटीबॉडीज नहीं होने चाहिए ना अदरवाइज वो अपने ही आरबीसी को अटैक कर देंगे तो ये रहा जी इसका प्लाज्मा ठीक है प्लाज्मा में एंटी ए एंटी बी एंटीबॉडीज नहीं होंगी तो इसका आंसर होगा वन एबसेंस ऑफ एंटीबॉडीज एंटी ए एंड एंटी बी इन प्लाज्मा ठीक है आसान क्वेश्चन था इजी है अगर कोई यूनिवर्सल डोनर है ओ ब्लड ग्रुप वाला तो उसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होना चाहिए जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो रिसिपियंट की एंटीबॉडीज देखते हैं और डोनर का एंटीजन देखते हैं ठीक है जी हाँ जी अर्पित चौधरी कह रहे हैं सर मेरे ब्रदर के सिक्स हंड्रेड एंड फोर्टी मार्क्स है ओबीसी कैटेगरी में क्या हो जाएगा ओके okay, आप कौन से स्टेट को बिलोंग करते हैं बेटा हाँ जी संदीप पूछ रहे हैं सर बाइजूस से सब्सक्रिप्शन से पढ़े या यूट्यूब पर देखिए आप बाइजूस का वेबसाइट एक बार एक्सप्लोर कीजिए क्या क्या अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल हैं बाइजूस का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं आपकी मर्जी है आपको मेरे क्या क्या कोर्सेज हैं उस पर वो पता चल जाएंगे ठीक है जी इसका आंसर था आंसर नंबर वन क्लियर है बेटा राइट ह्यूमन रिप्रोडक्शन वन ऑफ फेवरेट टॉपिक्स फर्टिलाइजेशन के कंसेप्ट में से एग्जामिनर ने यह क्वेश्चन उठाया रिसेप्टर्स फॉर स्पर्म बाइंडिंग इन मैमल्स आर प्रेजेंट ऑन आप जानते हैं फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ओवा एंड स्पर्मेटोजोवा एक दूसरे को रिकॉगनाइज करते हैं बाय पर्टिकुलर प्रोटीन फर्टिलाइजेशन इज स्पीशीज स्पेसिफिक ऐसा नहीं है कि रैट के स्पर्म को जो है डॉग के ओवम के पास रखेंगे वो फर्टिलाइज कर लेंगे। नेचर में इस प्रकार से अपने आप हाइब्रिड्स नहीं बनते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है तो आप जानते हैं फर्टिलाइजेशन स्पीशीज स्पेसिफिक इसके लिए ओवा और स्पर्मेटोजोवा के खास तरह के प्रोटीन इंटरेक्ट करते हैं जब एक ऊर्साइट रिलीज होता है ओवरी से उसके चारों तरफ कई सारी प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं सबसे पहले तो ऊर्साइट की अपनी लेयर ही होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड ऊलेमा ऊलेमा के बाहर एक ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी हुई लेयर होती है बेटा दैट इज कॉल्ड जोना पेलुसिडा। इसके बाहर ग्रेनुलसा सेल्स की लेयर होती है दैट लेयर इज कॉल्ड कोरोना रेडिएटा ठीक है जी सीआर कोरोना रेडिएटा। तो जो रिसेप्टर्स हैं स्पर्म बाइंडिंग के लिए वो ज़ोना पेलुसिडा पर पाए जाते हैं ठीक है मेरे बेटा राइट शुभजीत आपका जवाब बिल्कुल सही है राइट गौरव बेटा क्लियर है जी राइट आ, कुछ बच्चे कह रहे हैं मेरे रोल नंबर में थोड़ा मिस्टेक हो गया भाई ये तो एक भयंकर गलती करी है आपने हेलो सूर्य बेटा रोल नंबर गलत नहीं होना चाहिए था अब मुश्किल है इस चीज में कोई हल हो पाना आपको इंतजार करना पड़ेगा कि क्या परिणाम आता है नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल लिविंग वर्ल्ड में से विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू फैमिली म्यूसीडे आपको अगर जुआलॉजिकल नाम याद थे मक्खी जो है हाउस फ्लाई उसका जुआलॉजिकल नेम क्या होता है इट इज मस्का डोमेस्टिका वेरी सिंपल क्वेश्चन अच्छा पता है एक सिंपल तो इसलिए लग रहे हैं क्योंकि हम इस समय एग्जामिनेशन कंडीशंस में नहीं बैठे हैं आप अपने आप को इमेजिन कीजिए जब वो तीन घंटे जब आप नीट एग्ज़ामिनेशन हॉल में थे वो वाला स्ट्रेस वो वाला टेंशन आसान क्वेश्चन को भी मुश्किल बना देता है हाथ कांपने लग जाते हैं कई बार गोला भरते हुए इसमें कि हाय हे भगवान कहीं हमने गलत तो नहीं कर दिया अब हमें क्यों आसान लग रहा है आप अपने घर में कंफर्टेबली बैठे हुए अपने टैबलेट पे या आप इस समय अपने टीवी पे या अपने फ़ोन पे मुझे देख रहे हैं अब तो बड़ा आसान लग रहा है रिलैक्स करके बैठे होंगे ऐसे हर क्वेश्चन लग रहा है भाई ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे और जिन्होंने नीट नहीं दिया था उन्हें तो और भी आसान लग रहा होगा तो कहना आसान होता है और करना कठिन होता है ठीक है जी कहना आसान है और करना कठिन है ध्यान रखिएगा सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज हाउस फ्लाई मैंने सही बात बोली है ना बेटा सुमेर बेटा डिड आई से करेक्ट थिंग बताइए अच्छा मजा आ रहा है एक बार प्यारे प्यारे थम्स अप अपने लाइक्स जो है वो जरूर कर दीजिए और मैं चाहता हूं ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ लीजिए बेटा जितने भी नीट 2022 एस्पिरेंट्स या नीट 2023 जिन्होंने अगले साल नीट है या उससे अगले साल देने वाले अगर आप इस समय मान लीजिए ग्यारहवीं में हैं तो 2023 में देंगे अगर आप इस समय बारहवीं में हैं तो अगले साल देंगे या आप ड्रॉप करने का सोचे तो भी अगले साल देंगे आप सबके लिए मैं अपने इसी यूट्यूब चैनल पे बहुत जल्द ही छोटी छोटी कुछ कोर्स शुरू करने वाला हूं टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कुछ पे नहीं करना होगा उसके लिए राइट जी ठीक है आगे बढ़ सकते हैं ग्रेट जी चलो सूर्यांश बढ़े आगे डॉली बेटा ठीक है अच्छा आप एक चीज और देख लीजिए सब पे टॉप पे आपको लिखा दिख रहा है ना आप में से जो भी बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं एंड आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए एम के लिए इफ यू वांट टू बाय द बुक व्हिच इज रिटन बाय मी सिंपली आपको इस नंबर पर व्हाट्सऐप करना है और बहुत से क्वेश्चन इस बार ऐसे थे आप देख लीजिएगा उस बुक में से आपको एज इट इज मिल जाएंगे देवर मेनी क्वेश्चन विच आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इन माई बुक उसके बियॉन्ड चीजें हैं ही नहीं हाँ मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का भी नेक्स्ट लेक्चर लूँगा जी आपके साथ अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे आपको क्या बताना है बेटा यहाँ पे आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन करेक्ट पेयर तो मैं हमेशा अंडरलाइन कर लेता हूँ वो बात जो एग्जामिनर ने पूछनी चाहिए है इन करेक्ट बात ये कहाँ से लिया गया, गया क्वेश्चन बेटा बताएंगे मुझे ये क्वेश्चन लिया गया है क्लास इलेवेंथ के बायो मॉलिक्यूल्स चैप्टर में से इस तरह से एक पूरा येलो कलर का बॉक्स बना हुआ है एनसीईआरटी में है ना उसमें ये सारी बातें लिखी हुई हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वाली है ना सो ड्रग राइसिन जो है ये एक ड्रग नहीं है राइसिन इज अ पॉइजन कैस्टर सीड्स में कोडेन एल्केलाइड है एब्रेनिक टॉक्सिन है लैक्टिन में कॉन ए एक आधा क्वेश्चन जो है वो हमेशा पूछा जाता है आ, इसी पर्टिकुलर एरिया में से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में से सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक नेक्स्ट ईयर के लिए भी मैं कहूंगा ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे ट्विस्ट करके किसी न किसी फॉर्म में पूछा जा सकता है तो इनकरेक्ट बात यहां पर ये वाली थी ठीक है शुभम नाहिद जिया क्लियर है मेरे बच्चे चलो आगे बढ़ू नौ वेनरल डिजीजेस कैन स्प्रेड थ्रू वेनरल डिजीजेस वर्ड क्यों यूज करते हैं कोई मुझे बता सकता है वेनेरल क्यों कहते हैं मैंने अपने लेक्चर्स में अक्सर बताया आपको लव सेक्स धोखा ओके सो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस जिसे एनसीआरटी अब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कहता है या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो हैं कई तरीके हैं इनके फैलने के अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल इंटरकोर्स अगर हुआ है इन्फेक्टेड पार्टनर के साथ तो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स से तो होंगे ही होंगे है ना या फिर कंटेमिनेटेड नीडल सिरिंज को यूज करी है अब यहां पे एग्जामिनर ने कॉन्टेमिनेटेड वर्ड नहीं यहां पे स्टेराइल वर्ड यूज करा है तो इसका मतलब ये वाली बात तो गलत हो जाएगी अगर नीडल स्टेराइल है तो तो बीमारी नहीं फैलेगी ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट ये बात बिल्कुल सही है चाहे एच आई वी हो या और सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो ब्लड में उसका पैथोजन होता है और उससे वो फैलते हैं इन्फेक्टेड मदर टू फीचर्स आप जानते हैं एच ट्रांसमिट होता है इसके अलावा आपने पढ़ा है कि जो सिफिलिस होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है ये भी ट्रेपोनिमा पेलाइडम सिफिलिस का पैथोजन जो है वो भी प्लेसेंटा को क्रॉस कर लेता है जेंटल किसिंग के जरिए ये नहीं फैलते हैं इनहेरिटेंस से नहीं फैलेंगे ठीक है जी इनहेरिटेंस मतलब जेनेटिकली ट्रांसमिट नहीं होंगे किसी को सिफिलिस है तो उसके जीन्स में नहीं चला जाएगा सिफिलिस और अगली जनरेशन में नहीं होगा इज इट क्लियर बहुत से बच्चों ने ना यहां पे आके गड़बड़ कर दी इस बात में कि भाई किसिंग के थ्रू भी ये फैलते होंगे ठीक है अर्पित बेटा आर्यन बेटा क्लियर है Now, एक बात और बता दूं वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन दिया होता है ना वीडियो खत्म होने के बाद वो जरूर देखिएगा आप मेरे साथ व्हाट्सएप के जरिए कैसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं आपको स्टडी मटेरियल नोट्स ई बुक्स चाहिए वो सब आप मेरे साथ जुड़ करके ले सकते हैं ठीक है बच्चे ओके जी सो so, क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता चुका हूं इसका ओके बी एंड सी ओनली चूज द करेक्ट ऑप्शन हमें लेना था सो बी एंड सी ये वाले दोनों सही है ठीक है जी ये रहा इसका आंसर वेनेरल डिजीजेस का चलो अब ये देख लीजिए फिर से मैं आपको वो किताब दिखा रहा हूं विच इज गोइंग टू स्ट्रेंदन योर प्रिपरेशन फॉर नीट इट इज टोटली अप टू यू अगर आप लेना चाहते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपको इसमें दिख जाएंगे जो नीट एग्जाम में आए हैं किताब में किसी ना किसी फॉर्म में ये क्वेश्चन ऑलरेडी कवर किए हुए हैं सो so, जिन बच्चों ने ऑलरेडी पढ़ी थी आई एम डैम श्योर कि उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म करा होगा ओके okay, जी राइट right? नहीं बेटा वो इनहेरिटेंस नहीं होगी एक बच्चा ये सवाल कह रहा है अगर मदर इन्फेक्टेड है तो उसके बच्चे तक गया तो वो इनहेरिटेंस हुआ राजा बेटा इनहेरिटेंस इज समथिंग विच इज थ्रू द जीन्स जेनेटिकली ट्रांसमिट हो मदर के ओवा में तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई ना जेनेटिकली तो नहीं हुई ये तो प्लेसेंटा को क्रॉस करके पैथोजन आया बच्चे तक तो उसे इनहेरिटेंस नहीं कहेंगे समझ आइए आपको मेरी बात उस चीज को इनहेरिटेंस नहीं कहेंगे शफाखुल्ला खान कैसे हैं जी आप आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए आपको प्रोसीजर पता चल जाएगा मेरे बच्चे अर्पित शुभा जी ठीक है नेक्स्ट देखो द ऑर्गेनल्स दैट आर इंक्लूडेड इन द एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में जो ऑर्गेनल इंक्लूडेड हैं जहां जहां माइटोकॉन्ड्रिया दिए हैं ना माइटोकॉन्ड्रिया द पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया वाली बात काट दीजिए आपको आंसर आराम से मिल जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया वाली बात काट दी हमने आंसर सी बन गया अब आप कहेंगे सर ये भी क्वेश्चन आसान था ये आसान इसलिए लग रहा है क्योंकि हम एकदम रिलैक्स एनवायरनमेंट में बैठे हैं एक टीचर हमारे साथ हैं जो हमें समझा रहे हैं एक मोटिवेशन मिल रहा है एक एनर्जी लेवल बना हुआ है कोई स्ट्रेस नहीं है कोई खामोशी नहीं है है ना इसलिए आसान लग रही हैं चीजें मानेंगे ना मेरी बात है ना ठीक है बेटा चलो अगला सवाल ये लीजिए पहले इसका आंसर देख लीजिए ये था जी इसका आंसर नीट का क्वेश्चन नेक्स्ट है जी फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज किसी बीमारी को सही तरीके से उसका इलाज करने के लिए अर्ली डायग्नोसिस उसका जल्द से जल्द हमें जान पाना उस बीमारी के बारे में एंड उसकी पैथोफिजियोलॉजी को समझ पाना बहुत जरूरी है इसके लिए कौन सी मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक बायोटेक्नोलॉजी में से उठाया गया क्वेश्चन री इंपॉर्टेंट यूनिट बायोटेक्नोलॉजी राइट क्लास ट्वेल्थ का कुछ क्लास इलेवें जल्दी से इमरान ने कहा बी नहीं इमरान गलत है अर्पिता आप मुझे अलग से मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर आप सेम मैसेज बार बार जो है मत कीजिए कॉपी पेस्ट गौरी यू कैन सेंड अ व्हाट्सएप मैसेज यूलो मानवेंद्रलाइजा करन ने ठीक कहा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे ऐसी एंटीबॉडीज हम यूज करते हैं जो एंजाइम के साथ लिंक्ड होती हैं सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज एलाइजा टेक्निक ठीक है मेरे बच्चे चलो नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी सॉरी बायोटेक्नोलॉजी से लिया गया रिस्ट्रिक्शन एंडो जो है डीएनए को एक पर्टिकुलर जगह से काटते हैं अ स्पेसिफिक रिकोगशन सीक्वेंस आइडेंटिफाइड बाय एंडो न्यूक्लियस टू मेक कट एट स्पेसिफिक पोजिशन विद इन द डीएनए तो वो पेलिंड्रामिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को रिकोगनाइज करते हैं पेलिंड्रोम का मतलब होता है आप उसे उल्टा सीधा कैसे भी पढ़ेंगे वो एक जैसा होगा जैसे एनसीआर में मलयालम वर्ड दिया गया है या आप सादी भाषा में अगर मैडम भी लिखते हैं एम ए डी ए एम मैडम को आप इधर से पढ़ेंगे तो भी मैडम और इधर से इधर पढ़ेंगे तो भी मैडम ऐसे सिक्वेंस जो हैं पेलिन्रॉम कहलाते हैं ठीक है चेतना बेटा प्रिया मानवेंद्र जी छे सौ अस्सी से ज्यादा नंबर आएंगे माय गुड आर विद यू बेटा मैं तो सात सौ बीस नंबर आए आपके जेनेटिक्स का नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज टू कैटालाइज ऐसा एंजाइम जो इनिशिएशन इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कर सके प्रोकैरियोट्स में

विच आर द फॉलोइंग ऑर्गैनिज्म खोखली हड्डियां होनी चाहिए न्यूमैटिक बोन्स जिनमें एयर स्पेसिस तो ये ऐसा एनिमल आपने चुनना है जो क्लास एव्स यानी बर्ड्स को बिलोंग करता हो ऑर्निथोरिंकस नहीं हो सकता बिकॉज ऑर्निथोरिंकस क्या है एक प्रोटोथीरियन है एगलिंग मैमल है इट इज डक बिल प्लेटिपर्स डक बिल प्लेटिप एग्लिंग नहीं हो सकती इट इज लिजर छिपकली जो होती है घर में दीवार में आप छिपकली देखते हैं हेमीटेक्टाइलस फ्लैविवर मैक्रोपस नहीं हो सकता मैक्रोपस कंगारू है यह कैंगरू जिसे हम कहते हैं नियोफ्रॉन इज द करेक्ट आंसर नियोफ्रॉन किसका जोअलॉजिकल नेम है करण प्रीति सुशील मनीषा मयंक वाल्चर बिल्कुल सही कहा वर्चर का जुआलॉजिकल नेम नियोफ्रॉन है तो यह भी एनिमल किंगडम में से उठाया गया एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन हमने इससे पहले देखा नियरली चार पांच क्वेश्चन थे एनिमल किंगडम में से राइट मेरा तो फेवरेट टॉपिक है एनिमल किंगडम तो इस सवाल का आंसर है बेटा नियोफ्रॉन एक और क्वेश्चन एनिमल किंगडम का रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स जब ऐसे क्वेश्चन आए एग्जाम में ना तो घबराहट में गलती नहीं करनी आराम से इतमिन से देखना है एक एक स्टेटमेंट को पढ़ते जाना है और वहीं पे क्रॉस या राइट लगा लीजिए क्वेश्चन पेपर पे मेटाजेनेसिस मेटाजेनिस इज ऑब्जर्व इनमें गलत बात है मेटाजेनेसिस आपने पढ़ा है ओबीलिया के लाइफ साइकिल में होता है और ये कौन से फाइलम का मेंबर है निडेरिया जिसको हम सीलेंट्रेटा भी कहते हैं तो ये वाली बात तो गलत हो गई इकाइनोडर्म्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट बिल्कुल सही इकाइनोडर एक्सक्लूसिवली मेरी स्टार फिश आती है इसमें राउंड वर्म्स मतलब नेमेटोड्स, दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सही बात है भाई ये भी सही है कोम्ब प्लेट्स कौन से फ़ाइलम में कोम्ब्लेट्स पढ़े हमने कोम्ब प्लेट्स वाली बात हो रही है तो टीनोफोरा की बात हो रही है टीनोफोरा छोटा सा माइनर फाइला टीनोफोरन्स कोम्ब जेलीज या सी वॉलट भी कहते हैं अखरोट जैसे लगते हैं इनमें क्या है एट रोज ऑफ सिलड कोम्ब प्लेट्स होते हैं लेकिन वो डाइजेशन में मदद नहीं करते हैं वो एट रोज ऑफ सिलेटेड कोम्ब प्लेट्स लोकोमोशन में मदद करते हैं ये बायोल्यूमिनसेंस भी शो करते हैं ये भी एक्सक्लूसिवली मेरीन फाइला है ये हर में है बट सेक्शुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं सिडिपिड लार्वा होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज करेक्टरिस्टिक ऑफ इकाइनोडम्स ये बात सही है अगर होता वाटर कैनाल सिस्टम तो वाटर कैनाल सिस्टम किसमें होता है चलो बताओ मुझे इमरान अंश जल्दी से हाँ जी अंश रोड़ा नहीं ऐसे नहीं होता है जो आप लिख रहे हैं मुझे बताओ वाटर कैनाल सिस्टम किसमें होता है जल्दी से सादिक बेटा वाटर कैनाल सिस्टम कम ऑन क्विकली वाटर कैनाल सिस्टम कौन से फाइलम में है डज द बुक कंटेन्स बोट जोआलॉज यस इस किताब में जोअलॉजी बॉटनी दोनों है बेटा कंप्लीट है पॉरीफेरा फाइलम में वेरी गुड आलोक ने सही कहा राजा बेटा अगर वॉटर वेस्कुलर सिस्टम की जगह यहाँ पे लिखा होता वॉटर कैनाल सिस्टम तो आपको ध्यान देना है वॉटर कैनाल सिस्टम जो है न जिसको एक्वीफेरास सिस्टम भी कहते हैं ये स्पॉन्जेस का लाइफ लाइन है स्पॉन्जिस का फाइलम है पोरीफेरा स्पॉन्जेस की स्टडी को पैराजलॉजी कहते हैं ठीक है सो बी सी एंड ई आर करेक्ट स्टेटमेंट चेतना युद्धवीर युधिष्ट शुभित लव कुश नेम लव बी और कुश बी दैट्स ग्रेट चलो आगे बढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ में से क्वेश्चन है कॉन्ट्रोसेप्टिव मैथड्स में से चैप्टर कौन सा है चलो लिख लेते हैं चैप्टर है जी रिप्रोडक्टिव हेल्थ ओके और सब टॉपिक क्या लिया है एग्जामिनर ने कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड अलग अलग तरह के गर्भ निरोधक जो हैं ओके okay, जी देखते हैं वॉल्ट जो होता है सर्वाइकल कैप्स डूमा कैप, कैप वॉल्ट एंट्री ऑफ द स्पर्म थ्रू द सर्विक्स इज ब्लॉक्ड वॉल्ट लगा देंगे विजाइना के थ्रू इंट्रोड्यूस करेंगे सर्विक्स को कवर कर लेगा सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे सीमेंट डिपॉजिट होगा विजाइना में पर स्पर्म्स यूट्रस तक नहीं पहुंच पाएंगे इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस जैसे कॉपर टी हो गया फॉरेन बॉडी इन दूट्रस कॉपर्टी ऐसे होती है फ्रेम ऑफ दर्टीज होती है तो फेगोसाइड्स उन्हें तो खा जाएंगे क्लियर है जी आई होप मेजोरिटी स्टूडेंट का यह सवाल एकदम सही गया होगा एग्रीड जी हर्षिता सही गया है Wonderful जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ह्यूमन फिजियोलॉजी में से डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर में से है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन एक डायग्राम बना हुआ है ना एनसीआरटी में ऐसे राइट हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, उसके बाद कॉमन हिपैटिक डक्ट यहां पे गॉल ब्लैडर की सिस्टिक डक्ट से दिस इज गॉल ब्लैडर ये आकर के फिर ऐसे मिल रही है यहाँ पे पेनक्रियाज बनाया हुआ हुआज okay? right? ऐसे खुल रहे है, जी? ये, ये, है. इस तरह का डायग्राम है एनसीआर में याद है सबको यू रिमेंबर दिस डायग्राम है ना सो जंक्शन ऑफ हिपेटो पेनक्रियाटिक डिओडिनम ये वाला हिस्सा है जी डिओडिनम ये वाली जो है कॉमन बाइल डक्ट है जो बाइल जूस कैरी करती है और ये पेनक्रिया की डक्ट है ये मिल करके यहां पे हिपेटो हिपेटोपेटिक डक्ट बनाते हैं डक्ट राइट यहां पे हिपेटोपेनक्रियटिक एम्पुला होता है एम्पुल ऑफ वेटर भी कहते हैं एम्पुल ऑफ वेटर को गार्ड करता हुआ स्विंगटर ऑफ ओडाई होता है क्लियर है जी राइट right, मेरे बच्चे शुभम चेतना बेटा मानवेंद्र रुद्र पटेल अब्दुल्ला कह रहे हैं फिजिक्स में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई चले कोई बात नहीं इंसान को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए बेटा सो so इस सवाल का जवाब है सी नेक्स्ट चलते हैं जी यदि 30 परसेंट है डीएनए का व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ थायमिन ग्वेनिन एंड साइटोसिन भाई आपको पता है ए और टी एंड जी और सी ए दिया हुआ है 30 तो ये हो गया 30 30 और 30 हो गए 60 टोटल हमें सौ करने तो मतलब बाकी बचा 40 यानी 20 और 20 ये होंगे सो so इट इज टी टी यानी थायमिन विल 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 बी बी 30 20 साइटोसिन बी 20 राइट right? बिल्कुल जी वैशाली वैशाली आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं कोई भी डिटेल अगर आप जानना चाहें द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज टी 30 जी 20 एंड सी 20 राइट संदीप ग्रेट बने आगे जी प्रज्ञा बिल्कुल आप YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी एनिमल किंगडम का एक और क्वेश्चन इस बार तो एग्जामिनर को मजा आ रहा था एनिमल किंगडम के क्वेश्चंस फ्रेम करने में दैट्स रियली नाइस मेटामेरिज्म मेटामेरिक सेगमेंटेशन एनेलिडा एनेलिडा का फीचर है मेटामेरिक सेगमेंटेशन कैनाल सिस्टम पोरिफेरा कोम्ब प्लेट टीनोफोरा एक दो चीजें अगर आपको पता है बाकी दोनों का अंदाजा लग जाता है राइट right? अंजलि आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं अगर आप मुझसे कोई भी बात करना चाहते हैं तो विच इनजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन ये सवाल कहां से उठाया गया जी ब्लड क्लॉटिंग में से ब्लड क्लॉटिंग भी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करा हुआ है आप सबको सो so, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलना है सो so, इससे पहले प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनना चाहिए भाई लिवर बनाता है पता है ना कहा बनता है प्रोथ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन इज प्रोड्यूसड बाय लिवर एंड लिवर को कौन सा विटामिन चाहिए होता है ये बनाने के लिए लिवर रिक्वायर्स विटामिन के फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट होता है बेटा किसमें थ्रोम्बिन में राइट प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर के द्वारा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनने के अलग अलग पाथों तभी हम कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग में कैल्शियम का रोल है थ्रोम्बिन जो है एंजाइम की तरह काम करता है बेटा और थ्रोम्बिन फाइब्रीनोजन को फाइब्रिन में बदल देता है फाइब्रीनोजन भी लिवर में बनता है ठीक है जी फाइब्रिन जो है ऐसे धागे धागे जैसा प्रोटीन होता है ये ब्लड सेल्स को ट्रैप कर लेता है और ये क्या बना देता है क्लॉट तीन से पांच मिनट में क्लॉट जो है वो

जैसे हम कहते हैं ये बायो फोर्टिफाइड है fortified मतलब उसमें कुछ एडिशनल चीजें एड करी गई है एनहेंस किया गया तो क्रॉप्स का माइक्रोन्यूट्रिय एंड मिनरल कॉन्टेंट इंप्रूव करना ऑफकोर्स ये तो ऑब्जेक्टिव है प्रोटीन कंटेंट इंप्रूव करना वाइटमिन कंटेंट इंप्रूव करना ये भी है इसमें सी ऑप्शन होगा कि डिजीज रेजिस्टेंट बनाना उन्हें ये बायो फोर्टिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स का ऑब्जेक्टिव नहीं है राइट right? ये उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है क्लियर है जी चल अगला सवाल ये आंसर क्लियर हो गया ना नेक्स्ट डॉपसन इज यूज टू मेजर थिकनेस ऑफ किसका यूनिट है जी ओज़ोन, सिंपल इकोलॉजी में से उठाया गया क्वेश्चन इट इज ओजोन ना विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग आई यू का फुल फॉर्म क्या है जी इंट्रा यूटेराइन डिवाइस इंट्रा यूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस भी कह देते हैं कई तरह की होती हैं, बायोलॉजिकली इनर्ट डिवाइसिस जैसे लिपिज लू कॉपर कंटेनिंग डिवाइसेस ये ये सब कॉपर कंटेनिंग है कॉपर सेवन कॉपर टी मल्टीलोड थ्री सेवेंटी फाइव ये कॉपर कंटेनिंग डिवाइसेस है यूट्रस में लगा देते हैं लगातार कॉपर आयनस रिलीज करती हैं कॉपर आयन स्पर्म की मोटिलिटी फर्टिलाइजिंग एबिलिटी को कम करते हैं यूट्रस में इंप्लांटेशन नहीं होने देते हैं अनफेवरेबल बना देते हैं यहाँ पे हॉर्मोन रिलीज करने वाला एल एन जी ट्वेंटी है लेवनोजेस्ट्रल ट्वेंटी इसके अलावा एक और भी होता है हॉर्मोन रिलीज करने वाला प्रोजेस्टासे दे आर हॉर्मोन रिलीजिंग आई ठीक है जी व्हाट्सएप नंबर अभी सेशन के एंड में आप देख लेंगे और आप डिस्क्रिप्शन देखिएगा वीडियो का वहां पे मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है कोई सवाल है कोई क्वेरी है करियर को लेके आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर रेगुलरली मैं स्टडी मटीरियल नीट के पेपर्स ई बुक्स ये सारी चीजें शेयर करता रहता हूं एंड यू डोंट हैनी थे राइट जी टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं आप मेरा एलएनजी 20 करेक्ट आंसर है ठीक है जी चेतन कह रहे हैं करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान रस्सी आवत जात से सिल पर पड़त निशान ओके अनमोल इंटरेस्टिंग लग रही है बायोलॉजी दैट्स रियली वंडरफुल चलो जी राजा बेटा आगे बढू मैं देखो ह्यूमन फिजियोलॉजी का क्वेश्चन ब्रीदिंग एंड गैस एक्सचेंज में से रेस्पिरेटरी सिस्टम में से फेवरेबल कंडीशन चाहिए ऑक्सी हेमोग्लोबिन कैसे बनेगा एलविओ पे डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया पे, उसे ऑक्सीजनेट होना है तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो कार्बन डाइऑक्साइड का कम हो ठीक है जी तो ऑप्शन चुनेंगे हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ओ टू वाला एंड लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाला यानी बी हाई पी टू पी टू कम हो एच प्लस कम हो अगर एच प्लस बहुत ज्यादा हुआ एसिडिक सिचुएशन हुई तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन टूट जाएगा तापमान कम होना चाहिए क्योंकि ज्यादा तापमान पे ऑक्सीहीमोग्लोबिन अनस्टेबल हो जाता है राइट क्लियर है जी ये क्वेश्चन भी सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी मैं आपको एक बात और बता दू यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर कहूं या ना कहूं यूट्यूबर्स कहूं मैं है ना जो भी है भैया दीदी एंड एवरीवन नीट का पेपर सॉल्व करा है कल बहुत लोगों ने अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे क्वेश्चन गलत करे हैं बहुत से लोगों ने तो आपको जब सोल्यूशन देखने हैं ना तो मेरी गुजारिश है ऑथेंटिक चैनल्स पे ही देखिए राइट ऑथेंटिक चैनल्स में आकाश बाइजूज नीट चैनल है एक आकाश बाइजूज के नाम से एक सिंपली बाइजूज नीट है आप वहां पर देख सकते हैं बॉटनी जुआलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री सारे सोल्यूशन डिटेल में दिए गए हैं इधर उधर से रैंडमली भटक के टीचर्स के आप प्लीज मत देखिए सॉल्यूशन टाइम भी वेस्ट होगा मॉरल भी डाउन होगा कितने आपके सही क्वेश्चंस होंगे जो उन्होंने गलत सॉल्व कर दिए वहां पे एक मैं कोई पर्टिकुलर चैनल देख रहा था वहां पे किसी ने सॉल्व करा है जी रिलेक्सन हार्मोन यूट्रस से क्रिएट करता है दैट वाज सच अ डिस्गस्टिंग थिंग हाउ कैन अ पर्सन मेक सच अ बिग मिस्टेक कि यूट्रस रिलैक्सन बना रहा है हॉर्मोन है ना एक इसी तरह का और क्वेश्चन था जो उन्होंने गलत कर दिया सो so, बहुत से चैनल्स पे ये हुआ है कृपया मेरी गुजारिश है मैं तीन चैनल्स बता रहा हूं बायजूज नीट आकाश बाईजूज एंड आकाश बायजूज नीट ये तीन अलग अलग चैनल्स हैं जिस पे कल और मैंने मैंने आ, और मेरे साथ और कई इंडिया के नामी गिरामी प्रोफेसर ने नीट का कंप्लीट पेपर सॉल्व करा है आप अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बाकी सोल्यूशन देखना चाहें तो वहां देख सकते हैं ठीक है जी मुझे आप फॉलो करना चाहें या ना ये आपकी टोटली अपनी तमन्नाएं हुई मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा कि मेरे सोल्यूशन देखिए ठीक है राजा बेटा है ना तो ऑथेंटिक वेबसाइट से देखना चाहिए आपको विशाखा कह रही है आपकी वजह से मेरा जोअलॉजी सेक्शन बहुत अच्छा गया दैट्स रियली वंडरफुल आपकी अपनी मेहनत भी रही है बेटा किसी भी टीचर को कंप्लीट क्रेडिट खुद नहीं लेना चाहिए ऐसा नहीं होता मैं तो कहूँगा आपके माँ बाप की कितनी मेहनत है आपको सेंटर तक ड्रॉप भी करने गए होंगे जब तक आप एग्जाम दे रहे थे वो बेचारे बाहर वेट कर रहे होंगे चाहे धूप थी बारिश थी कुछ भी था सुबह से लेकर रात तक आपके साथ परेशान रहे नीट एग्जाम वाले दिन है ना इसके अलावा भी तो पहले माता पिता की कितनी तपस्या है भाई है ना सो so, एक अकेले टीचर को उस चीज का क्रेडिट नहीं लेना चाहिए सुरभि एग्री करेंगे ना आप मुझसे है ना बेनिता चलो आगे बढ़ो मुझसे मैच द फॉलोइंग अगेन मेरे फेवरेट क्वेश्चन इकोलॉजी में से एलेंस रूल कान छोटे होने चाहिए एक्सट्रीमिटीज छोटी होनी चाहिए ठंडे इलाके में रहने वाले जानवरों के ताकि हीट लॉस ना हो कंगारू रेट अ डेजर्ट रोडेंट फाउंड इन साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स कंगारू रेट नेवर ड्रिंक्स वाटर इट सर्वाइव्स ऑन मेटाबॉलिक वाटर सूखे बीज खाता है सूखे बीज मेटाबोलाइज होते हैं शरीर में जाके जो मेटाबॉलिक वाटर बनता है उसी से जिंदा रहता है है ना वो सूखे बीज अपनी बिल में स्टोर करके रखता है अपने बड़ों में ताकि सांस लेते समय एक्जेल आउट करते समय जो मॉइस्चर निकले नाक से सूखे बीज वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेंगे इसकी लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी एफिशेंट होती है इन एब्जॉर्बिंग वाटर फ्रॉम द फूड इट प्रोड्यूस टोटली ड्राई फीसेज एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच का लेवल बहुत ज्यादा होता है इसमें ताकि हाईली कंसनट्रेटेड यूरिन बनाए

डार्विन फिंचेस जो है वो गैलापेकॉस आइलैंड पे डार्विन ने देखी थी 1835 में इनको डार्विन ने खुद नहीं कहा था डारविन फिंचेस डॉक्टर डेविड लैक ने ये नाम दिया था फिंचेस जब बाद में उन्होंने डार्विनिज्म स्टडी किया 1947 की बात है ये है ना इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन मतलब ह्यूमन इंटरवेंशन Development of the resistant varieties in a short span of time because of excessive use of herbicides, pesticides hai na ye sab anthropogenic action है इंसानों की दखलंदाजी ke karan Divergent evolution four limbs of tetrapods common group को belong करते हुए भी अलग-अलग दिशाओं में adjusted होना that is divergent evolution और convergent होता है अलग-अलग groups को belong करते हुए common बात पे आके मिलना यानी जैसे एक बटरफ्लाई भी उड़ती है अपने पंखों की मदद से और एक बर्ड भी उड़ता है लेकिन बटरफ्लाई के पंख और बर्ड के पंख आपस में एनालोगस हैं ये होमोलोगस नहीं है सो एनालोगस ऑर्गन्स आर एग्जांपल ऑफ कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन होमोलोगस ऑर्गन्स आर एग्जांपल ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन इंपॉर्टेंट है बेहतरीन क्वेश्चन है आई एम श्योर आप में से बहुत से बच्चों ने ये सही किया होगा कासिफ कह रहे हैं बहुत अच्छा गया जोआलॉजी दैट्स रियली वंडरफुल चलो एक बार पीछे आता हूँ जल्दी आगे भाग गया था मैं सॉरी सॉरी Hmm, कहां पे थे हम एक मिनट जी ओके okay. ये वाला क्वेश्चन कर लिया था हमने नेक्स्ट पे आते विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेट ऑफ इनिशिएशन ऑफ इन इनिसिएूमन ये क्वेश्चन भी एक नामी गिरामी चैनल पे एक टीचर ने गलत करा है भाई बड़े दुर्भाग्य की बात है पार्च्यशन को लेकर के लोगों ने सिर्फ वो दो चार लाइनें पढ़ ली जो एनसीआर में लिखी है पार्च्यन इज अ कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मेकानिज्मीनी हॉर्मोन्स प्रोस्टाग्लैंड इन्वॉल्व हैं

टन का यहां पर कोई लेना देना नहीं है नॉट एन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनिशन पार्चुरशन रिलीज ऑफ प्रोलेक्टेन अनफॉर्चुनेटली ये क्वेश्चन भी कई चैनल पे गलत सॉल्व करा है टीचर्स ने विच इज वेरी सैड विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हिस्टोन इज रॉन्ग हिस्टोन प्रोटीन के बारे में गलत बात पी एच ऑफ स्टोन इज गलत है ये एसिडिक नहीं होते हैं ये तो आप जानते हैं भाई पर ये बार बार हम आपको बताते हैं जब स्टोन्स के बारे में बताया जाता है हेलो विशाल हवै अनिता प्रियांशु सिमरन कार्तिक अबू ठीक है जी चलो जो भी पर्सनल सवाल होते हैं ना वो चैट में मत लिखा करो वो नहीं प, पता चलेंगे इग्नोर हो जाएंगे आप व्हाट्सएप कर दीजिए ना मुझे और जिन बच्चों ने बाद में ज्वाइन करा मैं उन सबको बता दूं अगर आप मेरे द्वारा लिखी गई एमसी क्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेना चाहते हैं सो आप इस दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भेज दीजिए राइट कुरियर के द्वारा आप ये किताब ले सकते हैं विशाल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन मूवमेंट एंड लोकोमोशन में से लिया गया ये सवाल स्कैपुला ट्राइंगुलर फ्लैट बोन ये यहां पे, कौन सा गर्डल होता है शोल्डर गर्डल स्कैपुला और क्लैविकल कॉलर बोन होती है ना क्लैविकल क्रेनियम आपकी खोपड़ी है भाई सिनार्थ्रोटिक ज्वाइंट्स है फाइबर ज्वाइंट स्टर्नम एक फ्लैट बोन है ये ब्रेस्ट बोन जहां पे रिब्स जुड़ी है वर्टिब्रल कॉलम में जो बीच बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क है वो नहीं इमरान केवल व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा बेटा अच्छा जिन्होंने अभी तक वीडियो लाइक नहीं करा है ना मेरा जल्दी से लाइक कीजिए आई वांट एनर्जी पानी में घोल करके पी जाएंगे जी वो एनर्जी गला थक जाता है इतनी जोर जोर से बोलने में और मुझसे तो धीरे बोला ही नहीं जाता ओमकार जी ठीक है आप ओके okay. नेक्स्ट एजशन रीजन अ पर्सन गोस टू हाई ऑल्टीट्यूड एंड एक्सपीरियंसस ऑल्टीट्यूड सिकनेस विद सिम्टम्स लाइक ब्रीदिंग डिफिकल्टी एंड हार्ट पल्पिटेशंस जैसे-जैसे आप ऊंचाई पे जाते हैं ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है तो आप में लक्षण आने लगते हैं हाइपोक्सिया हो, हो जाएगा लंग्स के लेवल पे कम ऑक्सीजन पहुंचेगी टिश्यूज तक ब्रेथलेसनेस होना

एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन दोनों स्टेटमेंट्स भी सही हैं और ये इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है तो आपके पेपर में जिस भी तरह का ये ऑप्शन बन रहा था उसके अनुसार ये आंसर होगा इसका एडिनोसिन एडीनोसिन ये कहां से लिया गया जी बायोटेक्नोलॉजी में से है ना जेनेटिक डिसऑर्डर्स का कैसे इलाज किया जाता है तो इट इज रिलेटेड टू द डिसफंक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम लिम्फोसाइट्स का संख्या कम होने लगती है इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है राइट right? इट इज नॉट रिलेटेड टू एडिसन डिजीज वो एडिनोसीन और एडिसन मिलाकर के एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज करना चाह है ना और पार्किसन या डाइजेस्टिव डिसऑर्डर से इसका कोई लेना देना नहीं है ठीक है जी सो इट इज डिसफंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम नेक्स्ट देखते हैं जी क्रॉस मैच डिजीजेस वाले चैप्टर में से है फिलेरियसिस एलिफेंटिस भी जिसे कहते हैं वो चरेरिया अमीबियासिस बीमारी एंड अमीबा हिस्टोलिटिका निमोनिया के लिए हेमोफाइलस इंफ्लुन्जे एंड रिंग वर्म ट्राइकोफाइटन आसान था मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस अक्सर इजी होते हैं जल्दबाजी में ज़रूर गलत हो जाते हैं तो जल्दबाजी नहीं करनी आपको इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना है एग्जाम्स में ये वो पर्टिकुलर क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया कि पर्टिकुलर चैनल पे टीचर गलत सॉल्व कर रहे थे नहीं करता। ग्राफियन फॉलिकल तो ओवरी में पड़ा है जहां से ऊसाइड रिलीज हो गया फीटस रिलैक्सन नहीं बनाएगा इट विल बी कार्पस ल्यूटियम लेकिन मैं आपको बताऊं ट तो लेटर स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट हो चुका है और अब यहां पे ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि ये ह्यूमंस के लिए कहा गए हैं किस में ह्यूमन्स की केस में रिलैक्सिन की एग्जिस्टेंस को थोड़ा कंट्रोवर्शियल माना गया है शीप में हम पार्चुलेशन स्टडी करते हैं एज अ मॉडल जब हम पढ़ाते हैं पार्चुलेशन शीप एनिमल को लेकर के ठीक है जी सो so, फिर भी अब आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन द बेस्ट वन इज रिलैक्सिन इट दी पेल्विक लिगामेंट्स पेल्विक लिगामेंट्स को रिलैक्स करता है टू फेसिलिटेट चाइल्ड बर्थ ठीक है जी सो so, इतने सारे क्वेश्चन मैंने आपके साथ सॉल्व करे आने वाले कुछ दिनों में और क्वेश्चन सोल्व करूंगा बहुत से बच्चे ये पूछना चाह रहे थे सर आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है ये रहा जी मेरा व्हाट्सएप नंबर जहां पे आप कोई भी क्वेरी चाहते हैं बाईजूस में एडमिशन से रिलेटेड तो भी आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं केवल व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप आपको ज्वाइन करना है स्टडी मटेरियल रिलेटेड कोई क्वेरी है करियर रिलेटेड कोई बात आप जानना चाहते हैं सो so, आप ये मुझसे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम आईडी है टेलीग्राम का ऐप अप अपने फोन में डाउनलोड कीजिए और फिर आप ये टाइप कीजिएगा t.me/drsachinkapoor आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे नाम से बहुत से फेक टेलीग्राम ग्रुप्स बनाए हुए लोगों ने कृपया उनसे बचिएगा इतनी बुद्धि आप में स्वयं होनी चाहिए ठीक है जी सवाल मई राजा बेटा और रानी अब आपसे विदा लेते हैं जी कोई सवाल है मन में कोई बात आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं जी हां जी भारती एनीथिंग यू टू आस्क वैशाली विशाल रघुवीर चेतन एनीथिंग यू आस्क और जिन्होंने लाइक नहीं करा सेशन जल्दी से लाइक कर दीजिए जल्द ही आपके इसी अपने चैनल पे डॉक्टर सचिन कपूर के यूट्यूब चैनल पे नी 2022 एंड नी 2023 के लिए भी हम कुछ लेकर के आने वाले हैं ठीक है जी अब हम बाय बाय कर सकते हैं एक दूसरे को नमस्कार कह सकते हैं जी लव कुश चैनल सब्सक्राइब करके रखिए बेल आइकन को हिट कीजिए नमस्कार बाय बाय गॉड ब्लेस यू ऑल विश यू ऑल अ वेरी ब्राइट एंड प्रोस्परस फ्यूचर